हमारी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर दूसरे लोगों को इस्तेमाल के लिए दी जाएं, तो हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम और टच स्क्रीन की। आपको बैंक से रकम निकालनी हो या कुछ चीजें खरीदने किसी स्टोर में जाएं या कहीं और रकम की अदायगी करना चाहें, एटीएम की सहूलत हर जगह मौजूद है। लेकिन खबरदार रहें कि एटीएम के टच स्क्रीन और कीपैड्स जरासीम से इतना आलूदा होते हैं कि आप इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा जब भी एटीएम इस्तेमाल करें, उसे अच्छी तरह साफ कर लें। दूसरों की कंघी या हेयर ब्रश इस्तेमाल करना भी खतरे से खाली नहीं। याद रखें कि जरासीम आपकी खाल के हर हिस्से पर होते हैं, ख्वाह वो सर की खाल क्यों न हो। जब हम बालों में कंघी या ब्रश करते हैं तो इसके साथ जरासीम भी चिपक जाते हैं। अक्सर ये सूरत हाल आपको भी पेश आती होगी कि दफ्तर में काम करते हुए आपका पेन इधर उधर हो जाता है और आपको किसी और से पेन लेना पड़ता है। कलम जरासीम से भरे होते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को कलम मुंह में रखने या होंठों के दरमियान घुमाने की आदत होती है। इस तरह सांस की बीमारियों में मुब्तला करने वाले वायरस और मुंह के इन्फेक्शन भी आप तक मुंतकिल हो सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, शेविंग रेजर भी एक दूसरे के इस्तेमाल ना करें।